टुडेज आवर टॉपिक इज हिंदी व्यंजन ट से ण। हम लोगों ने इससे पहले जो था वो क ख ग घ ण और उसकी सेकंड लाइन थी च छ ज झ और ण, वहां तक हमने व्यंजन लिखे। तो हम उसे एक बार रिपीट करते हैं। फर्स्ट लाइन हमने क्या लिखा था, क ख ग घ ड खाली, च सेकेंड लाइन थी हमारी च छ ज, जैसे जहाज बोलते हैं, झ और ण। ठीक है, तो बेटा हम लोगों ने टू लाइन जो थी वो हमने की थी। आज मैं आपको थर्ड लाइन लिखा रही हूँ, वो है ट, ट से ण। ठीक है, तो देखिए थर्ड नंबर डाल देती हूँ मैं ताकि इसे आपको याद रहेगा। हम लोग नंबर डालते हैं ना, उससे क्या होता है हमें याद रहता है कि कौन सी लाइन में कौन सा व्यंजन आने वाला है। तो नंबर थर्ड है, क्या लिखना है हमें, ट, ट से आप बोलते हो ट से टमाटर। ठीक है, कैसे लिखना है देखिए, वन स्टिक और यहाँ से आप उसको राउंड करना है ट से टमाटर। ओके, अब आगे देखो ख से खटेरा, खटेरा क्या करना, गेप देना ही है, थोड़ा गेप देंगे ट पहले, ट से टमाटर बनाएंगे और उसे बंद करते हुए वो बन जाएगा ख से खटेरा। ओके, इसे क्या बोलेंगे ठ, ये क्या है ट, ये है ठ। ओके, ट ठ, अब लिखेंगे ड, ड से डमरू, वन स्टिक वन राउंड सेकंड राउंड। ठीक है, कैसे लिखना है यहाँ देखिए, वन स्टिक खींचना है, वन टाइम इधर टर्न करना है, सेकंड टाइम इधर टर्न करना है, ये क्या है ड, ड से डमरू। अब क्या लिखोगे आप लोग, ढ से ढक्कन। तो कैसे बनेगा देखिए, पहले वन स्टिक, फिर आपको ट से टमाटर बनाना है और इसे यहाँ से बंद कर देना है, तो ये है ढ से ढक्कन। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखिए, अब क्या लिखना है, ट से टमाटर, ठ से ठटेरा, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, बढ़ाना जो होता है अण खाली, कैसे बनाना है इस तरीके से। ठीक है, कैसे लिखोगे आप लोग देखिए, पहले ऐसे फिर मनुष्य, एक अण खाली तो बोलेंगे न। ठीक है, तो देखिए बेटा, ट से टमाटर, ठ से ठटेरा, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, अण। अब देखिए आप लोगों को कैसे बोलना है, क्योंकि अब आप एल के जी में नहीं हो, एच के जी में आए हो, तो देखिए कैसे बोलेंगे, ट ठ ड ढ ण। ठीक है, फिर से देखिए, ट ठ ड ढ ण, समझ गए आप लोग। अब देखिए एक बात मैं आपको बताती हूँ, ये जो ड है ना बेटा, इसके नीचे हमें डॉट नहीं लगाना है। हम लोग कई बार क्या करते हैं, ड से डब्लू लिख के और उसमें नीचे डॉट लगा देते हैं, लगता भी है, और ड से ढक्कन लिखते हैं उसमें भी हम डॉट लगा देते हैं। तो बेटा जो ये जो डॉट लगे हुए होते हैं ना, ये होते हैं आपके अतिरिक्त वर्ण। तो ये अगर हम डॉट लगाएंगे तो ये अतिरिक्त हो जाएंगे, लेकिन हमें तो सिर्फ नॉर्मली ड और ढ लिखना है, तो आप ड और ढ के नीचे डॉट नहीं लगाओगे। ठीक है, जो आप ऐसे इस तरीके से लगाते हो ना, नहीं लगाएंगे, तो उसे बच्चे लगा देते हैं, हमचोर होते हैं। ठीक है, तो देखिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ट ठ ड ढ ण। ओके, अब आपको क्या करना है, ये जो ट ड ढ ण है, इसे आपको अपनी कॉपी के फुल पेज में वन लाइन छोड़कर इसे आपको रिपीट करना है, समझे, वन लाइन छोड़ते जाएंगे और इसे बोल बोल के आपको लिखना है, ठीक है ना, फुल पेज में लिखना है, ट ठ ड ढ ण, समझ गए आप, बोल के और बहुत ही सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है, ताकि आपको फुल लाइन में बनाना है और उससे उससे आपकी हैंडराइटिंग भी अच्छी होगी और आपको इन व्यंजनों की पहचान भी होगी। और व्यंजन की पहचान किस लिए जरूरी है, प्रिंटिंग करने के लिए। तो आपको ये जो वर्क है उसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। और मैं ये बोलने वाली थी आप लोगों को, जो भी बच्चे ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े हुए नहीं हैं, अगर आपके फ्रेंड हैं, आप क्लास में रहते हैं, तो उन्हें बता दीजिए कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट है। ठीक है, तो वो भी क्लास